बाबा आइए बेटा। श्लोक कह देगा? कह दो बेटा, जो कुछ कहना है तो। हरि का भजो तो हरिका हो, हम का भजो तो लरिका हो। नारायण नारायण। अरे बेटा रम चलवा, ऐसी गंदी गंदी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आता? यह गंदी है और क्या नहीं। दूसर कहीं? हाँ दूसरा कोई भगवान का बढ़िया सा चौपाई कहो। कहत कबीर सुनो भर भंडी, और इज्जत चाहो तरा खौरंडी। अरे तू पागल हो गया बेटा रम चलवा, यहाँ रंडी कहाँ से आ गई? ये चौपाई में तुम्हारे लिखा है क्या? ये गलत है का? और क्या है सब? दूसरा कही? शब्द गलत है बेटा। दूसरा कही? दूसरा कहो कोई। सीताराम सके ते माँ, और लड़का रोवई पेटे माँ। चुप हो जाओ बेटा रम चलवा, चुप हो जाओ तुम। अब मत कहो तुम अपनी चौपाई, तुम सारी बातें उल्टी सीधी कहते हो तुम। नारायण नारायण। नथुनिया पर गुम्मा मारे। अरे बेटा रम चलवा चुप हो जाओ, भगवान का नाम लो। गुरु की सेवा करना उचित होता है, बहुत अच्छी बात होती है। ठहरो ठहरो, राका तेगा राजकुमारी अंजू ठहरो। जा रहे तुम संग तीनों, फंस गया सबका गला, टूट कर है गिरने वाली आसमानी तुम पर बला। राका भाई कहा? अब और कौन सी बला आने वाली है? देखा ये बाबा दोनों आंखों से नैनहीन है, लेकिन हमारे पैर के आहट से ये हमारा नाम तक जान गए। जी हाँ, मुझे लगता है ये बाबा जी पहुंचे हुए हैं, ये सब कुछ जानते हैं। चलो इनसे चल करके इनसे पूछते हैं। राका भाई कहो। आ हम बाबा जी से पूछते हैं। क्यों नहीं? हे मुनिराज। कहिए बेटा। अभी आपने क्या कहा कि जा रहे हो संग तीनों, फंस गया सबका गला, टूट कर है गिरने वाली आसमानी। कौन सी बला हम पर आने वाली है? और मुनिराज कृपया करके ये बताएं कि हम उस बला से कैसे बच सकते हैं। बेटा आप ये जानना चाहते हैं कि हम उस बला से कैसे बच सकते हैं? अवश्य बताएंगे बेटा। नारायण नारायण। बेटा नारायण नारायण। ना शांत हो जा बेटा, शांत हो जा रम चलवा, तू बहुत बोलने लगता है। बेटा तेगा सिंह मेरी बात को सुनो। हाँ, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पर तुम्हारे जाने से खतरा है बेटा, और तुम तीनों बेरहमी से मारे जाओगे, फंस जाओगे, कैद हो जाओगे। इस करके बेटा हम तुम्हें बता रहे। बताइए मुनिराज। बेटा जो तुम्हारे साथ ये राज कन्या है, इसे कहीं उचित जगह देखकर बेटा इसे ठहरा दो। उसके बाद में तुम जाओगे तो वहां पर तुम बेटा विजय प्राप्त होके आओगे। हाँ बेटा नारायण नारायण। मुनिराज कहिए बेटा। आपके कहने का मतलब कि अगर हम तीनों जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, और ये खास तौर से अगर राजकुमारी जी को मैं कोई उचित स्थान देखकर वहां पर रख दूं, हम जाएंगे तो वहां से विजय प्राप्त करके आएंगे। अवश्य बेटा नारायण। मुनिराज ऐसी कोई रास्ता कोई जगह नहीं दिख रही है, राजकुमारी अंजू को कहां छोड़ दूं? हे मुनिराज। कहिए बेटा। अगर आप नाराज ना हो तो आपने उपाय बता दिया है, तो आपके इस आश्रम से अच्छी जगह कहीं नहीं है। अगर हम इस बला से बच जाएंगे महाराज तो आपका गुणगान गाएंगे, हम पे कृपा करो और राजकुमारी जी को शरण दीजिए कुछ दिनों के लिए महाराज। नारायण नारायण नारायण।
अरे बेटा, ये फूलों पर चलने वाली राजसुता ये हमारे यहाँ झोपड़ी में कैसे रह सकती है बेटा? मुनिराज, ये समय अंजू भी हमारी तरह एक मुसीबत में है, इसे हम कहीं छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो इसके दुश्मन इसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुनिराज मुझ पर दया कीजिए और आपने आश्रम में कुछ दिन के लिए शरण दीजिए। नारायण नारायण। ठीक है बेटा तेगा, अगर ये बात है तो तुम राजकुमारी अंजू को मेरे कुटी पे छोड़ दो और मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन हम इस राज कन्या अवश्य बचाएंगे। बाबा जी, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जान है और ये अपनी जान आपके सहारे आपके आश्रम में छोड़ के जा रहा हूँ। और ये मेरी अमानत, बाबा मैं जानता हूँ कि आपने कहा कि मैं अपनी जान के समान रखूं। बाबा मेरी अमानत, बाबा मेरी अमानत, जाके समान रखना। बाबा मेरी अमानत, बाबा मेरी अमानत, जाके समान दिया है, हम तो अपने वचन का जरूर पालन करेंगे बेटा, राजकन्या पे आंच नहीं आने देंगे। नारायण मुनिराज। राजकुमारी जी, देखिए राजकुमारी जी, जो बातें बाबा ने बताया आपके सामने है, इसलिए तुम कुछ दिन बाबा के साथ आश्रम में रहो और ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। आऊंगा राजकुमारी जी, और हाँ, आश्रम के बाहर मत निकलना क्योंकि मुझे डर है सिर्फ उस निज संग्राम से, और मैं बहुत जल्द उस दरिंदे का सफाया करके आऊंगा। हाँ राजकुमारी जी। ठीक है अजय, जाओ मैं यही रहूंगी, परंतु आप अपना ख्याल रखना। राजकुमारी साहिबा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दूसरे को कोई अलग नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। बाबा जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस काम को पूरा करके आऊंगा। पूरा करके आओगे बेटा, ये मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। नारायण नारायण मेरे लाल, जा तुम अपने काम पूरा कर क्या होगे। घोष रहा घोष रहा। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। अरे बेटा रंग चलवा। हाँ बाबा। अभी तक तू भोरा लगाते लगाते कभी कभी बहुत तंग हो जाता था। हाँ कबो, रोज हम इनका खाना बना। अब तो ये राज कन्या, अब तो बाबा गुरुजी। हाँ बोलो। अब बिटिया वाइन गई है, बढ़िया नीक नीक बनाई है,
हम तुम दबाए के पियला जाए। अरे बेटा रंग चलो आप पहले ये तो पूछो राजकन्या से रोटी बना लेती है या कि नहीं। बिटिया क्या है? खाना बना लेती है बढ़िया? खाना तो हमारे यहाँ नौकर बनाते हैं। तो तुम नहीं बना पाती का? नहीं ऐसी बात नहीं है, दासियों के साथ मैं कभी कभी चली जाती थी किचन में रसोई घर में तो देखती थी वो कैसे बनाती हैं। हाँ। तो कुछ सीखा है? कहाँ सीखे हो? दाल चावल तो मैं बढ़िया बना लेती हूँ। हाँ। लेकिन रोटियाँ हमसे बहुत बुरी बुरी बनती हैं। बाबा कहिए बेटा। बिटिया उससे पूछा। हाँ। कि बच्ची कुछ खाना वाना बना ले तू है? हाँ ठीक है। तो कहन कि हमारे यहाँ पदासी रहती रही। क्या मतलब? मैं नहीं समझ पाया तेरी बात। कहन कि हमारे यहाँ पदासी रहती रही। अरे दासी राज मेलों में दासी नौकरानी होती है। तो हम कब जानते नहीं बाबा? जब नहीं जानता तो पूछ लिया। तो कहन वही खाना बनाती रही तो दो तीन दैया दाल चावल तो बनावा रहे और रोटी एक दैया बनावत बहुत बुरी बुरी बनी। अरे बेटा रोटी जल जाती होगी क्या जाने। तो क्या बाबा? अरे ये तो बड़े घर की लड़की है। अरे बाबा हमारी बतिया सुनबो। हाँ बताओ बेटा। एक दही बनाए बुरी बनी, दोबारा बने है कुछ ठीक बने, जय दही बुरी बनी है तय दैया बुरी बुरी खा लिए कोई तब तो नीक बनबे करी है। सही कहता है बेटा राम चलवा, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा राम चलवा मेरा पूजा का वक्त हो रहा है और थोड़े से फूल भी लाना बहुत जरूरी है, इस करके हम राज कन्या को भेज देते हैं, थोड़े से फूल ले आवे जाके। नहीं खाना बनावे फूल हम टूल लाए जाए। अरे नहीं बेटा। गुरुदेव कहिए बेटी राज हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटी तुम्हें एक थोड़ा सा काम करना है। कहिए गुरुदेव। मेरा पूजा का वक्त हो गया बेटी और अपने कुटी के पीछे फूल के पेड़ पौधे लगे हैं, थोड़े से फूल ले आओ लाडली, मैं पूजा का जब तक भोग लगाता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाकर पूजा के वास्ते फूल लेकर आती हूँ। अवश्य बेटी जाओ। जा। 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 जबर गजब, ये बाबा दोनों आंखी का सूर है, पैर के आहट से नाम बता देता है। जंजीर की एक कड़ी मुझे मिली, कदाचित ये पैर के आहट से नाम बता देता है तो इस दुनिया फानी में मेरी अंजू जहां कहीं भी होगी ये जरूर बताएगा। जय हो आसमान आसमान। बाबा कहिए बेटा क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? नारायण यही कि आप तो अंतर्यामी है, सारा सृष्टि आप देखते हैं। सब कुछ बेटा, जन्म के आगे जन्म के पीछे की बात बताते हैं। सब कुछ बता सकते हैं बेटा। तो फिर ये भी बता सकते हैं कि मेरी अंजू इस दुनिया फानी में किस कोने में है? नारायण नारायण नारायण। अरे बेटा तुम राजकुमारी अंजू के चक्कर में फंस गए कहां से? अरे वो तो यहाँ से काफी दूर निकल गई है बेटा, वहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते हो। मैं नहीं पहुंच सकता हूँ? इसके पास ये जो बैठा हुआ इससे पूछो शायद ये बता दे। महाराज आप उठे जरा सा। हम तो कुछ गए होगा। जी हाँ का कहो? आपका नाम क्या है? अंजुम। अंजुम कहीं ऐसा तो नहीं अंतर्यामी बाबा है अपनी जादू के जरिए मेरी अंजू को अंजुम बना दिया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। तेरा नाम? अंजुम। अंजू अंजुम अंजू है तू? अंजुम अंगूरी ने दिखाऊ, यहाँ भक्तिन चल रही है।
एक बात सोच ले, तू ही है मेरी अंजू, अंजुम नहीं बल्कि अंजू है तू। अंजुम कपड़े उतार। का? कपड़े उतार बाबा। कहिए बेटा रब चलवा। हमका लागत है इनका दिमाग खराब है। दिमाग तेरा खराब है, ये अपने तप के जरिए तुझे अंजुम बना दिया है। तेरा नाम अंजू है? हाँ अंजुम। अंजू अंजुम कपड़ा उतार। लियो मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लियो देखो और उतार। बाबा कहिए बेटा रब चलवा। ये आदमी का मुंह नहीं नीक लगता, हमका बचाए रहे हो। अरे बेटा इसकी दृष्टि बुद्धि तू किसी भी हाल में रहेगी। हाँ। संग्राम तुझे पहचान जरूर लेगा। नारायण नारायण राधे श्याम राधे श्याम सीता। बंद कर इसे, बंद कर, बंद कर, बंद कर इसे, बंद, बंद, बंद। राधे श्याम सीताराम सीता। बाबा ले देखो। कहिए बेटा ले देखो। नारायण नारायण देखे हो? अभी अभी आपने कहा कि बेटा वो बहुत दूर चली गई है, वो तुम्हारा दिव्य दृष्टि से बहुत दूर निकल गई है। जी हाँ बेटा। लेकिन शायद एक बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है, जहां से तुम्हारी दिव्य दृष्टि खत्म होती है वहां से हमारी दिव्य दृष्टि शुरू होती है। बाबा हो हम जाए तो यहाँ आदमी अब खराब खराब आवे। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो मुझे अंजू का पता बताओ। अरे बेटा संग्राम सिंह जब मैंने बता दिया कि राजकुमारी अंजू यहाँ से काफी दूर निकल चुकी है, वहां तक की मेरी दृष्टि बुद्धि नहीं। बाबा अब अंजू है कहाँ दे मुझको बतलाए। बोल मेरी अंजू कहाँ है? अरे अरे संग्राम सिंह मुझे मार कर क्या तुम अंजू को पा सकते हो? ना तू जानता है कि मेरी अंजू कहाँ है बता। नहीं बेटा मैंने तो ये पहले तुम्हें बता दिया कि राजकुमारी अंजू यहाँ से काफी दूर तक निकल चुकी है। बाबा मेरे बदन में आंख लगी है, मैंने कसम खाया है कि सुबह सूरज निकलने से पहले अंजू से शादी जरूर करूंगा, बता वरना। ये पैर के आहट से ये जानता है कि ये संग्राम है, ये फला है, ये फला है, लेकिन पता नहीं पता है। सर क्या बात,
ये कंगन तो जैसे जाना पहचाना लगता है, जाना पहचाना लगता है। जी सर, देखिए इसमें एक नग नहीं है। ये क्या नग नहीं है? एक नग इसमें नहीं है। नहीं ना। देखिए बोलदा नहीं सर। और कंगन अंजू का है ये लिया मैंने पहचान। पहचान और खून किया संग्राम ने ली साधु की जान। सर ये कंगन अंजू का है। हाँ, और संग्राम ने इसका खून किया है। सर हवलदार लाश उठाओ और गाड़ी में ला दो, चलो हम लोग संग्राम की हवेली पर चलते हैं। ओ शिवक, हवेली पर चल, चलिए साहब। उठाओ लाश। क्या हवलदार, गाड़ी में डालो। तो उठाओ लाश। चुप, गाड़ी में डालो उठा के। चलिए साहब। बरसों बाद तो आज संग्राम के हाथ लगी है। और मैंने कसम खाया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तुझसे शादी जरूर रचाऊंगा। पंडित, बोलो मेरी शादी रचाने के लिए कितना पैसा लेगा? 5051। चल मैं तुझे 10051 देता हूँ। इस श्लोक पर मेरी शादी होगी। लाओ। मैंने कहा ना, जान प्यारी है तो इस श्लोक पर पढ़ भाई। पंडित हाँ। मंत्र पढ़, क्योंकि मेरी शादी आज ही होगी। आ जाए। जी हाँ, यही लागिन। जी हाँ, चलो हो, हम मंत्र पढ़ित बैठाओ, दुल्हन बैठाओ, दुल्हा बैठे। ओम 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 गजाननम भारत खंडे जम्बू बोध उतारे मंगलम चरम खोल कर देख जरा। संग्राम सिंह बटकार डाकू राका है खड़ा मैं तेगा सिंह सर। बोलता है तू तेगा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से तुझे पहचानता हूं। तू अजय है। अपने मौत को पहचान गए नेज गद्दार संग्राम सिंह, तो सुन ले कि जिस तरह मैं तड़पा हूं। और ये देख मस्तक पर, देख इधर, ये जो कपड़ा है ये मामूली कपड़ा नहीं, वही माँ बाप के कफन का टुकड़ा है जो अपनी मात समझ कर आपने मस्तक पर बांध लिया। और उस मैंने कसम खाया कि उस दिन उतारूंगा जिस दिन संग्राम सिंह को दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। राका भाई चाबुक मंगाओ। ए, 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 ए,
क्या मौत को देखकर घबरा रहा है संग्राम सिंह? आप बता संग्राम सिंह, ये क्या है? चाबुक। इसके दर्द का एहसास तो तुझे नहीं होगा संग्राम सिंह। आ तू क्या जाने, इसके दर्द का एहसास वही जानते हैं जिन पर ये बरसा है। आज जिसके दर्द का एहसास तुझे बताऊंगा संग्राम सिंह। कपड़े उतार उतार, ये शादी के जोड़े हैं। उतार दो, अभी शादी करवाता है तुम्हारी। लो बस, संग्राम सिंह बोल, अंजू के पिता को तूने जहर देकर मारा। जी हाँ। हराम जादे, जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी किया। लेकिन मैं अंजू राजकुमारी को चाहता था इसलिए मारा। हराम जादे, हुआ दर्द का एहसास बहुत लगता है। इसी तरह वो भी तड़फे होंगे, इसी तरह मेरा बाप भी तड़फा होगा जब इसकी बरसा उस पर किया है। बोल, मेरे पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ मेरे पिताजी की 3 माह की तनख्वाह बाकी थी, और जब मांगने गया तो उसे क्या दिया? गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई और आज मुझसे भी गलती। जा, रुक जा। संग्राम सिंह, जिस वक्त मेरे बाप का खून किया था, क्या कहा था? कि कल 10 बजे तक अगर उदयपुर से दीपू की लाश लेने कोई नहीं आया तो लाश के 4 टुकड़े करवा कर रियासत के 4 कोने में लटकवा दूंगा। और जब मेरी माँ गई थी लाश लाने के लिए तो उसके सामने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब मेरी माँ लाश मांग रही थी तो मेरी माँ के सामने शराब की बोतल रख दिया और मेरी माँ को आंचल खींचा। मेरी माँ के बदन तो साड़ी नहीं रखा। उतार ये कपड़ा, उतार। तुझे माफ कर दू क्या? जी माफ कर दो। ये कपड़ा है तूर, और कपड़ा। इसी तरह मेरी माँ भी तड़पती रही होगी जिस वक्त मेरी माँ कांचल खींच रहा था। बहुत मोटा साला कद्दार कहीं का, आराम जादे का। बोल, जितना महाराज के हवेली में आटा आता है वो साला तू ही खाता चला जाता है। जी नहीं। और राजकुमारी अंजू से संग्राम से बताओ, और तुझे माफ कर दूंगा। माफ कर दोगे? नहीं मरना चाहता, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। ये बात सही है कि मौत से तुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसी तरह मौत से डर तो मेरे बाबूजी को लगता था, मौत से डर मेरी माँ को था। चल
मेरी माँ ला दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो नहीं ला सकता मैं। अरे